गाइज वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज मेरे चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है #top5affordables। सो इस सीरीज में क्या होने वाला है, वैसे तो मैंने सारी बात आपको इंस्टाग्राम स्टोरी पे बता ही दिया, बट अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा हुआ है तो आप कर सकते हो, मेरा हैंडल है माही मेकअप वर्ल्ड। एंड नहीं करा है तो अभी मैं बता देती हूँ इस सीरीज में क्या होने वाला है। मैं आपको टॉप 5 अफोर्डेबल प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ। लाइक अगर आपने मुझसे पूछे हैं टॉप 5 फेस वॉश अफोर्डेबल, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी #top5affordable फेस वॉश। एंड इस सीरीज की 5 वीडियो होने वाली हैं, 5 वीडियो होंगी इस सीरीज में। एंड अगर इस सीरीज का अच्छा रिस्पॉन्स हुआ तो ये सीरीज और भी बड़ी हो सकती है, लाइक 5 से ज्यादा भी वीडियो हो सकती है इसकी। सो आपका सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट आया था इंस्टाग्राम पे वो था #top5 फेस वॉश अफोर्डेबल्स। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ #top5 फेस वॉश अफोर्डेबल फेस वॉश। एंड ये ना मैंने सभी स्किन टाइप के लिए, लाइक नॉर्मल, सेंसिटिव एंड ऑयली, ड्राई, सभी स्किन टाइप को देखकर ही मैंने आज बताया है आपको। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी एंड आपको नेक्स्ट पार्ट #top5affordables में किस चीज का चाहिए, लाइक प्राइमर का, फाउंडेशन का, ऐसे भी आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे फेस वॉश तो जाने माने भी हैं एंड कुछ एक दो फेस वॉश ऐसे भी हैं जिनको आप ज्यादा जानते वानते नहीं हो। एंड इन फेस वॉश को मैंने आपको सजेस्ट करने से पहले बहुत महीने तक खुद पर यूज करा है। एंड सेकंड थिंग, सबका पीएच लेवल भी चेक करा है आपको दिखाने से पहले, क्योंकि अगर पीएच लेवल हमारे फेस वॉश का खराब होगा ना तो ये मान लो आपकी स्किन बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मेरा सजेशन है वो है ये मामाअर्थ का ओप्टन फोमिंग फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सैफ्रोन। ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। ये 10 रिमूवल के लिए है, बट अगर आपको 10 रिमूवल नहीं चाहिए तो आप ओप्टन से कोई अलग ले सकते हो, जैसे टी ट्री अगर आपके पिंपल है, विटामिन सी ग्लोइंग स्किन एंड डार्क स्पॉट को हटाने के लिए आप ले सकते हो। एंड ये वाला जो फेस वॉश है वो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। एंड जो इसके स्मूथ से ब्रिसल्स है वो बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लीन कर देते हैं। सो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। एंड इसकी एमआरपी जो है वो है ₹399, यानी कि ₹400 है। ये जो सारे टॉप 5 फेस वॉश हैं ये पूरे फेस वॉश ₹400 के अंडर होंगे, सो जो कि बहुत अच्छी बात है, अफोर्डेबल बहुत ही ज्यादा है। सो फर्स्ट था ये मामाअर्थ का ओप्टन फेस वॉश। आप मामाअर्थ का ओप्टन ना लेके कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी आपको लगता है कि ये आपके लिए अच्छा वर्क करेगा, लाइक टी ट्री, नीम, विटामिन सी, जो भी आपको लगता है कि आपकी स्किन पे ये सूट करने वाला है, बहुत अच्छे से फेस को क्लीन कर देता है। इसके जो ब्रिसल्स है वो भी बहुत जेंटल है स्किन पे, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा हार्श है। एंड ये एक फोमिंग फेस वॉश है एंड बहुत अच्छे से मेरी स्किन को सूट करता है। मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे ये बहुत अच्छे से सूट करता है। एंड एट द सेम टाइम मेरी मम्मा की स्किन नॉर्मल है, उनको भी ये बहुत अच्छे से सूट करता है। सो इट्स मीन ये सभी स्किन टाइप को बहुत अच्छे से सूट करता है, जैसे कि इस पे लिखा हुआ है। सो मेरा फर्स्ट यही सजेशन है, अगर आपको कोई ऐसा फेस वॉश बाय करना है जो आपको और आपकी मम्मा को सूट कर जाए, दोनों का एक साथ ही काम हो जाए, तो आप मामाअर्थ का जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं हम मोस्ट पॉपुलर फेस वॉश के बारे में। आई होप सो सभी ने ठीक गेस कर लिया, वो है ये हिमालय का नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश। एंड एज यू गाइज नो, जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा है तब से लेकर अब तक मैंने इसकी तारीफ करी ही करी है। मुझे ये बहुत अच्छे से सूट करता है, पीएच लेवल भी इसका ठीक है और इसका भी एकदम परफेक्ट है पीएच लेवल। एंड ये वाला बड़ा वाला है, अगर आपको मतलब ये सूट कर जाता है, वैसे ये सबको सूट करता है, ऑयल स्किन टाइप को ये सूट करता ही है। मेरी ड्राई स्किन है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि पिंपल है तो बहुत ज़्यादा ये आपके फेस को ड्राई कर देता होगा, बट ऐसा नहीं है। ड्राई, नॉर्मल एंड ऑयली स्किन सभी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से आपके ऑयल को रिमूव करता है एंड ड्राई स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करता है। अगर आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर यूज कर लेते हो तो एकदम से आपकी स्किन को परफेक्ट रखने वाला है। ये पंप वाला है एंड ये ना पिंपल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पिंपल या पिंपल मार्क्स की प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज कर सकते हो। पीएच लेवल इसका अच्छा है एंड सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ पीछे मेंशन है। एंड इसका रिटेल प्राइस है ₹190 एंड इसके साथ आपको ₹75 का आई गेस वो स्क्रब भी फ्री मिल जाता है, तो उससे भी कम ही हुआ वरना। बात करते हैं ऑयली स्किन के लिए, तो ऑयली स्किन के लिए है ये है क्लीन एंड क्लियर का फोमिंग फेस वॉश, ऑयल फ्री, वुड नॉट क्लॉक योर पोर्स,
जेंट्री डर्ट रिमूव करता है एंड पिंपल एंड जम्स को मारता है, पिंपल और पिंपल के जम्स को ही मारता है। इसकी नेट वॉल्यूम है 50 ml, इससे आपका बड़ा शैशे भी इसको मिल जाएगा एंड 20 rupees वाला शैशे मिल जाएगा। इसकी प्राइस है 70 rupees। एंड गाइज, इस फेस वॉश को ड्राई स्किन वाले ज़्यादा ना यूज़ करें, इसको यूज़ ही ना करें ड्राई स्किन वाले। इसको लंबे टाइम तक यूज़ करोगे तो आपकी स्किन का पीएच लेवल बिगड़ सकता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप ध्यान से सुनिए, अगर ऑयली स्किन है तो ही इसको परचेज कीजिए, नहीं तो इसको बिल्कुल भी परचेज मत कीजिएगा। आपकी ड्राई स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, एक्सट्रीम ड्राई हो जाएगी, सो डोंट यूज़ इट। आपका पीएच लेवल भी बिगड़ सकता है। ऑयली स्किन आप इसको परचेज कर सकते हो, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है डोंट परचेज इट, एंड नॉर्मल स्किन है तो भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा ही ये ड्राई कर देगा आपकी स्किन को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, वगैरह करते हो, टीचर वगैरह हो या कोई भी जॉब करते हो, घर से बाहर जाना आना रहता है, सो वो है ये आस्था बेरी का फेस वॉश। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्यों अच्छा होने वाला है? क्योंकि ये फेस वॉश नहीं है, अगर मैं इसकी आपको एक बार दिखा देती हूँ, थोड़ा सा इसका जो टेक्स्चर है ना गाइस, उसमें आपको थोड़े से स्क्रब के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। होपफुली मेरा कैमरा कैप्चर कर ले। ये जो आप इसके पार्टिकल्स देख रहे हो ना, ये आपके डर्ट रिमूव करने को वर्क करता है। एंड अगर आप इतना टाइम नहीं रहता, आप भूल जाते हो कि स्क्रब भी करना होता है वीक में 1 से 2 बार, तो आप इसको यूज़ कीजिए, फिर आपको स्क्रब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरल स्किन केयर है, अगर आपके फेस पे लाइक स्पॉट्स हैं एंड अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो गो फॉर इट, क्योंकि ये है ऑरेंज एंड लेमन पील से बना हुआ है ये। इसमें आपको क्वांटिटी मिलती है 100 ml, प्राइस है इसका 110 rupees। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है 100 ml, बहुत अच्छे से आप कई महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में बात करेंगे हमारी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन वालों की तरह, क्योंकि विंटर है तो ड्राई स्किन तो होगी ही होगी। मेरी ड्राई स्किन है तो वो और ज़्यादा ड्राई होगी, ड्राई टू ड्राई हो जाएगी। अब उनके लिए ये है जोए का हनी एंड आमंड नरिशिंग ड्राइनेस कंट्रोल जेल फेस वॉश विद आमंड एंड विटामिन ई एंड कैरेट, लीव योर स्किन फील्स हाइड्रेटेड हेल्दी एंड क्लीन। एंड जैसे कि इस पर मेंशन हुआ है, ये सारी बात ही सच है, लाइक इसका भी पीएच लेवल आपकी स्किन के लिए बहुत सही है। अगर आपको चेक करना है कि आपका फेस वॉश का पीएच लेवल आपकी स्किन के लिए ठीक है या नहीं है, तो आप एक लिटमस पेपर पे इनको सबको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर इनका कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन या डार्क ग्रीन हो जाता है, येलो ही नहीं रहता, तो वो फेस वॉश आपके लिए ठीक नहीं है। सो अब बात करते हैं इसकी, तो इसको मैंने करेंटली यूज़ करना स्टार्ट करा है एंड आई एम जस्ट लविंग इट, क्योंकि विंटर्स आ गए थे तो मुझे लगा कि कोई ऐसा फेस वॉश चाहिए जो मेरी स्किन को नरिश रखे, लाइक ऐसे सॉफ्टी सॉफ्टी गुबली गुबली सा रखे। एंड मैंने इसको ट्राई करा, आई जस्ट लव इट। एंड इसका MRP है 67 rupees, इसमें आपको मिलता है 50 ml। एंड आई होप सो इसका बड़ा बोतल भी आता होगा, बड़ा ट्यूब, वो भी आप परचेज कर सकते हो। अगर ड्राई स्किन है या वेरी वेरी ड्राई स्किन है, गो फॉर इट, यू विल लव इट। सो गाइज, यही था #top5 अफोर्डेबल सीरीज का part 1, एंड आई होप यू गाइज एंजॉय दिस सीरीज, एंड आई होप ये फेस वॉश की रिकमेंडेशन आपको अच्छी लगेगी। एंड अगर आप इनमें से कोई भी फेस वॉश बाय करते हो तो ज़रूर अपना एक रिव्यू छोड़ के जाना कि आपको ये फेस वॉश कैसा लगा एंड कैसा नहीं। सो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो, आई होप यू गाइज एंजॉय दिस सीरीज ऑल्सो। नेक्स्ट सीरीज के लिए जल्दी से कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट सीरीज मैं किस चीज़ पर बनाऊँ #top5 अफोर्डेबल में। So I love you guys, don't forget to subscribe and like this video. Bye bye.